मैं हूँ सत्य प्रकाश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल फाउंड्री। पिछले अंक में मैंने डिस्कस किया था CAA के ऊपर और आज मैं NPR के ऊपर डिस्कस करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि NPR आखिर है क्या और NPR क्यों लाया गया और NPR लाने के पीछे मकसद क्या है। तो NPR आखिर है क्या, ये बहुत बड़ा सवाल है। और अभी पिछले कुछ महीनों से जब से NPR का इशू आया है, एक बहुत बड़ा वर्ग है जो यह बताने का प्रयास कर रहा है कि NPR जो है वो कहीं ना कहीं एक धर्म विशेष के लोगों के खिलाफ है, जो कि बिल्कुल गलत है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ना ही ये किसी धर्म के खिलाफ है और ना ही ये किसी भी भारतीय के खिलाफ है। NPR सीधे सीधे भारतीयों को फ़ायदा पहुंचाने वाली चीज़ है और NPR के माध्यम से भारत सरकार यह करेगी कि जो भारत में रह रहे लोग हैं उनकी एक पूरी डिटेल डेटा आ जाएगी कि किस कैटेगरी के कितने लोग हैं, किस एज ग्रुप के कितने लोग हैं, किस एजुकेशन ग्रुप के कितने लोग हैं। और इस आंकड़े के आधार पे ही भारत सरकार जो डिलीवरी सिस्टम है, जो सरकार की योजनाएं होती है, जो सरकार की प्लानिंग होती है और जो बहुत तरीके के सरकार के स्कीम्स होते हैं सेंटर और स्टेट की, उसको डिलीवरी करने में आसानी मिलेगी। तो NPR कोई नई चीज़ नहीं है और NPR केवल भारत में नहीं है, NPR विश्व के कई देशों में इस तरीके का कानून है जो पॉपुलेशन रजिस्टर के नाम से जाना जाता है। और NPR को कानूनी प्रक्रिया के तहत लाया गया है और कानूनी प्रक्रिया के तहत ही किसी सिटीजन की डिटेल ली जाएगी। सिटीजनशिप एक्ट 1955 को ध्यान में रखते हुए और भारत सरकार की सिर्फ रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन एंड इशू ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड रूल 2003 को पूरी तरीके से ध्यान में रखा गया है और उसके आधार पे ही एक पूरी डिटेल तैयार की जाएगी। NPR में कुल 14 सवाल होंगे और जो सिटीजन से पूछे जाएंगे और आपको किसी भी प्रकार का कोई पेपर नहीं मांगा जाएगा, आपको ज़बरदस्ती कोई चीज़ नहीं देने को बोला जाएगा, आप कोई भी अपना प्रूफ दिखा सकते हैं और दे सकते हैं। आखिर NPR के बाद क्यों इतना बवाल मचा पूरे देश में, एक वर्ग को इस तरीके से क्यों भड़काने का प्रयास किया गया, उनका एक राजनीतिक मकसद हो सकता है, क्योंकि गृह मंत्री ने साफ कहा राज्यसभा में कि इस NPR के पूरे प्रोसेस में किसी भी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट्स या इन्फॉर्मेशन जो आपके पास नहीं है वो चीज़ें नहीं मांगी जाएगी और आपको फोर्स नहीं किया जाएगा। फिर भी इसके बाद भी विपक्ष और कुछ सामाजिक संगठनों ने इसका विरोध किया और विरोध का स्तर ये रहा कि देश में कई राज्यों में हिंसा भी भड़की। मैं उस विषय पे नहीं जाना चाहता, मैं आपको केवल इस कानून को लाने के पीछे मकसद और दुनिया के जिन देशों में यह इस प्रकार का सिस्टम इम्प्लीमेंट किया गया है उस कंट्रीज़ में इस सिस्टम का क्या बेनिफिट हुआ है। 1969 में अमेरिका में एक पूरी रिसर्च छपी और उस रिसर्च में मेथोडोलॉजी एंड इवेल्युएशन ऑफ पॉपुलेशन रजिस्टर्ड एंड सिस्टम, इसमें एक पूरी डिटेल रिपोर्ट तैयार की गई कि इस तरीके के रजिस्टर से क्या फ़ायदा होंगे और इनका मकसद क्या होगा और इससे जो देश के सिस्टम है, जो इंटरनल सिक्योरिटी का इशू है, जो माइग्रेशन की इशू है, जो इंटरनल और इंटरनेशनल दो तरीके की माइग्रेशन है, इंटरनल मीन्स कि इस एक स्टेट का सिटीजन किसी दूसरे स्टेट में चला जाता है और इंटरनेशनल किसी कंट्री का सिटीजन दूसरे कंट्री में चला जाता है। तो वैसे पूरे आंकड़े जो है सरकार के पास रहेगी और इस पूरे प्रोसेस में कहीं पे भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स सिटीजन को दी गई है उनका वायलेशन होगा, कोई भी राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन नहीं होगा। और जनसंख्या रजिस्टर का सिस्टम आज कोई नया सिस्टम नहीं है, यह सदियों से चला आ रहा है।
हान के काल में चीन में भी यह सिस्टम लागू किया गया था, इस तरीके का रजिस्टर्ड सिस्टम। 7वीं शताब्दी में जापान में भी इस तरीके का रजिस्टर्ड सिस्टम लागू किया गया था, और भारत से पहले पेरिस, स्वीडन, फिनलैंड जो 7वीं सदी में ही ओरिजिनेट हुए थे, वो इस तरीके के रजिस्टर का कॉन्सेप्ट अपने देश में लाए और अपने सिटीजन्स की पूरी डिटेल उनके पास होती थी, तो उनको पता होता था कि हमारा किस एज का, किस जेंडर का, कितना सिटीजन, कितने सिटीजन कहाँ पे किस इलाके में रह रहे हैं और उनको क्या डिलीवरी की ज़रूरत है। कुछ कंट्री में टैक्सेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए भी इस तरीके के रजिस्टर का कॉन्सेप्ट लाया, और प्रारंभ में यह कॉन्सेप्ट जो था, जो 1969 यूएस का जो कॉन्सेप्ट था, उसमें उनके मेथोडोलॉजी में ये था कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसको इम्प्रूव करने के लिए इस तरीके की रजिस्टर की बहुत आवश्यकता है, और उसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए इस तरीके की कॉन्सेप्ट जो पहले से ऑलरेडी उन देशों में लागू है जहाँ पे इनका बेनिफिट हुआ है, उस पूरे मेथोडोलॉजी को समझने के बाद भारत में इस सिस्टम को लाने का प्रयास किया गया। भारत में कोई ये नहीं है कि आज पहली बार इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने का प्रयास किया, अगर 1951 से 1958 के बीच में भी इस तरीके की रजिस्टर लाने की बात की गई थी, पर वह पूरा ना हो सका। प्रारंभ में कुछ देशों ने केवल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को इम्प्रूव करने के मकसद से डेमोग्राफिक इम्बैलेंस जो हो रही थी, जो डेमोग्राफिक इम्बैलेंस बिगड़ रही थी, एक स्टेट के नागरिक का दूसरे स्टेट में चला जाना, एक कंट्री का सिटीजन दूसरे कंट्री में चला जाना, खास करके सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरे वर्ल्ड में एक बहुत बड़े स्तर पे माइग्रेशन हुई, और उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि जो उस कंट्री का ओरिजिनल सिटीजन है उसकी जो राइट्स है, जो उनके अपने राइट्स उस कंट्री में दिए गए हैं, वो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस आ रही थी, इसलिए बहुत सारे कंट्रीज ने इस पॉपुलेशन रजिस्टर का कॉन्सेप्ट खुलाया। और NPR में भी जो है भारत सरकार का मकसद ये है कि हमें सिटीजन्स के पूरे डिटेल सरकार के पास होनी चाहिए, ताकि जो डेटाज है, जो सरकार डेटाज सरकार के पास आएगी, उससे उस सिटीजन के स्टैंडर्ड एजुकेशन का पता चल पाएगा और सरकार की जो डिलीवरी करने के सिस्टम है, जो स्कीम्स है, वो प्रॉपर तरीके से हो पाएगी। इनिशियली यह कॉन्सेप्ट 59 कंट्रीज में था, और जिन कंट्री ने भी इस कॉन्सेप्ट को लागू किया वहाँ अच्छा चला और उस कंट्री को बेनिफिट हुआ। NPR में लोगों के सोशल स्टेटस, गवर्नमेंट बेनिफिट और वर्किंग और नॉन वर्किंग्स के डिटेल्स उसमें एक तरीके से आएंगे, और जिन कंट्री में यह सिस्टम ऑलरेडी है वहाँ पे इवन स्कूल एडमिशंस में भी पता चल जाता है गवर्नमेंट को कि हमें किस एज ग्रुप के बच्चे हमारे पास हैं जिनका अभी स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ है, और इस तरीके के उसके अकॉर्डिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चरल और डिलीवरी दोनों को स्मूथ करने के लिए इस तरीके की स्कीम की बहुत एक ज़रूरत थी। NPR को NRC से जोड़ दिया गया, जो कि बिल्कुल गलत है। NPR और NRC और CEA, इन तीनों में कोई संबंध नहीं है। मैंने पिछले अंक में CEA के बारे में पूरा बताया था, और मैं इस अंक में केवल NPR के बारे में जिक्र करूंगा, NRC के बारे में अगले अंक में जिक्र करूंगा। फिर भी मैं थोड़ा सा बता दूं कि जो NPR है एक डेटाबेस है जो भारत में रह रहे हैं, और NRC जो है बिल्कुल अलग है। उसमें आपको पूरी डिटेल देनी है कि आप कहाँ रह रहे हैं, कब से रह रहे हैं, और अगर किसी और कंट्री से आए हैं तो कौन सी कंट्री से आए हैं, और आप यहाँ पे कब से रह रहे हैं। खास करके जो NPR के बाद जो इश्यूज आए इस देश में, और यह बताया गया कि NPR जो है कम्युनिटी को टारगेट किया गया है, यह बिल्कुल गलत है। पूरी तरीके से गवर्नमेंट की एक प्लान और एक पॉजिटिव एफर्ट्स है ताकि गवर्नमेंट को पता चल पाए और गवर्नमेंट की जो इस
स्मूथ फंक्शनिंग का कॉन्सेप्ट जो है, जो डिलीवरी सिस्टम को स्मूथ करने की है, वो मकसद पूरा हो सके, और उसको ध्यान में रखते हुए एनपीआर के सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। एनपीआर जो है एक डेमोग्राफिक इम्बैलेंस जो क्रिएट हो गई है उसको इम्प्रूव करने के लिए है, और एनपीआर में डेमोग्राफिक और बायोमेट्रिक पहचान ली जाएगी ताकि जो कंप्लीट डिटेल है सिटीजन की वो आ सके, और जो सरकार के ऊपर लोग इस तरीके से जो सवाल खड़ा कर रहे हैं कि इसको कहीं ना कहीं सिटीजन जो वैसे सिटीजन जो एक कम्युनिटी से है उनको टारगेट किया गया, यह बिल्कुल गलत है। इसमें कोई भी इस तरीके की चीज़ कहीं पे भी नहीं लिखी हुई है, और गृह मंत्री ने साफ कर भी दिया है कि इससे कोई लेना देना नहीं है। आप इस एनपीआर के कॉन्सेप्ट में अगर आप डिटेल में देखें तो खास करके जिन कंट्रीज़ में ऑलरेडी पॉपुलेशन रजिस्टर का कॉन्सेप्ट है उनके डेवलपमेंट का इंडेक्स और भारत के डेवलपमेंट का इंडेक्स को आप मैच करें, आपको पता चल जाएगा कि उसका बेनिफिट क्या है। धन्यवाद। आप मेरा YouTube चैनल लीगल बाउंड्री सब्सक्राइब करें। अगले अंक में मैं NRC के ऊपर लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।